हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। कल अपन ने इसके अंदर न्यूमेरिकल सेक्शन देखा था। आज इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभिक्रिया है जिसमें ए प्लस बी उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, के लिए जो वेग नियम है वो दे रखा है ए की पावर हाफ और बी की पावर टू। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? ऐसा क्वेश्चन है, पेज नंबर 83 पर है। पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए वेग नियम दे रखा है आर इज इक्वल टू ए की पावर हाफ और बी की पावर टू। और आपसे क्या पूछ रहा है? अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो देखो, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में जो सांद्रता पद है उनके घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहां पर ये ए सांद्रता है और ये बी की सांद्रता, इसकी जो घातांक है वो कितनी है? एक बटा दो प्लस कितना? दो। तो इसकी कोटि की बात करें तो कितनी हो गई कोटि? दो से ही एक बटा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। वेग व्यंजक में जो सांद्रता पदों के घातांक है उनको आपस में क्या कर दो? एड कर दो। तो हाफ में दो आपने जोड़ दिया तो कितना आया कोटि? ढाई आ गई। आगे वाला प्रश्न देखो, x का जो y में रूपांतरण है वो द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है। x किस में कन्वर्ट हो रहा है? y में। x का y में बदलना किसके अनुरूप हो रहा है? x का y में रूपांतरण किसके अनुरूप होता है? द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप। यानी r है वो के x की पावर किस पर निर्भर कर रहा है? दो पर। तभी तो द्वितीय कोटि की बल गति की होगी। अब क्या बोल रहा है? यदि x की सांद्रता को तीन गुनी कर दिया जाए तो y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? x की सांद्रता को अगर 3 times अपन कर दे तो y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? x की सांद्रता को यहां पर अपन 3 गुनी करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, ये अपन को देखना है। क्योंकि जितने गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा उतना ही गुना y के निर्माण की दर बढ़ जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे? तो देखो, ये अपन ने इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपन ने? एक नाम दे दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन? एक्स की सांद्रता 3 गुनी कर रहे हैं। एक्स की सांद्रता 3 गुनी करने पर कितने गुना कर रहे हैं अपन सांद्रता? 3 गुने। तो देखो, अपने पास आर डैश आएगा। आर डैश बराबर क्या आएगा? के एक्स की सांद्रता पहले एक्स थी, अब कितनी हो गई? 3x। उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी रे? 2। इसको आपने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। बात समझ में आ गई? अब देखो, इक्वेशन एक में किसका भाग देंगे? 2 का। इक्वेशन एक में किसका भाग देंगे? 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर एक में 2 का भाग दे देंगे। एक में 2 का भाग देने पर, भाग देंगे तो देखो क्या आएगा? R अपॉन R डैश इज इक्वल टू के एक्स की कंसंट्रेशन की पावर कितना है आपके पास? 2। डिवाइडेड बाय के 3x की कंसंट्रेशन की पावर कितना? 2। ऐसे है कि नहीं है? तो देखो, R डिवाइडेड बाय R डैश, के से के कैंसिल हो गया, ये x की पावर 2 है
ऊपर क्या है आपके पास, एक्स की पावर दो, और नीचे देखो तीन की पावर दो है, तो तीन की पावर दो कितना हो गया, नौ, एक्स की पावर दो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आर डैश है वो कितना आएगा, आर डैश बराबर 9 आ रहा है, कितना आया 9 आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक्स की सांद्रता को अगर 3 गुना किया तो जो परिवर्तित अभिक्रिया का वेग है वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो आपने क्रिया कारक एक्स की सांद्रता को 3 गुना किया तो जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना, क्योंकि एक्स की सांद्रता को 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है, अतः वाई के निर्माण की दर कितने गुना हो जाएगी भाई, बी 9 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपना प्रश्न है वो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको अभिक्रिया के वेग व्यंजक के आधार पर जैसा अपन को बोले उस आधार पर वेग व्यंजक लिखना है और कुछ नहीं करना है। एक्स का वाई में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप बता रहा था, तो ये एक्स है वो वाई में रूपांतरित हो रहा है, तो इसके लिए अगर वेग व्यंजक लिखे तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के एक्स की कंसंट्रेशन की ऑल पावर कितनी लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे। आप देखो एक्स की सांद्रता कितनी गुना कर रहा है, 3 गुना, तो आर डैश इज इक्वल टू के एक्स की जगह अपन कितना पुटअप करेंगे, 3x रख देंगे, इसकी पावर कितनी हो गई, 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आप समीकरण 1 में 2 का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो r बाई आर डैश बराबर के एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमने सोल्व किया, तो r डैश बराबर किसके आया, 9 r के, यानी जो परिवर्तित वेग है वो किसके बराबर आ गया, जो पहले वाला वेग है उसका 9 गुना आएगा। अब 9 गुना अगर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा तो वाई के निर्माण की दर भी क्या हो गई, 9 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार आपका ये प्रश्न सॉल्व होगा, प्रश्न पूछा गया है ये परीक्षा में। अब अपन आगे वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल पर लीटर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर किसमें 0.02 मोल पर लीटर हो जाती है, औसत वेग की गणना सेकेंड और मिनट दोनों इकाइयों में करना है। ये प्रश्न आपकी बार जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा गया था, एज इट इज पूछा गया था। देखो क्वेश्चन लिखेंगे अपन, रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। इसके लिए क्या बोल रहा है, देखो सांद्रता प्रारंभिक आपको दे रखी है, अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपको कितनी दे रही, प्रारंभिक सांद्रता 0.03 मोल, 0.03 मोल पर लीटर, और देखो 25 मिनट बाद में सांद्रता कितनी हो जाती है, 25 मिनट बाद में सांद्रता कितनी हो जाती है, 0.02 मोल। तो ये अपन प्रारंभिक सांद्रता C1 मान लेते हैं और अंतिम सांद्रता C2 बराबर कितना है, 0.02 मोल पर लीटर, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है भाई बोलो, 25 मिनट, कितने मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट। तो इसके लिए अभिक्रिया का आपको औसत वेग कैलकुलेट करना है, तो देखो औसत वेग का सूत्र अपने पास जो है वो अपन काम में लेंगे, औसत वेग आर एवरेज इज इक्वल टू क्या सूत्र होगा,
अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, यानी सी टू माइनस सी वन भाई नीचे कितना टाइम लग रहा है वो, या टी टू माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन कितना है अपने पास 25, टाइम कितना है 25 मिनट, तो ये अपन ने पुटअप कर दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार से हो गया, इसको अपन ने थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया। अंतिम सांद्रता कितनी है भाई, 0.02। और ये जो देखो सांद्रता है, ये आपकी सी टू माइनस सी वन, ये डेल्टा सी आपके पास आएगी, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, क्या आएगी डेल्टा सी भाई, नीचे क्या है आपके पास डेल्टा टी। इस प्रकार से भी इसको अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटा परिवर्तन में लगा समय। अब अंतिम सांद्रता कितनी है, 0.02। मैंने आपको जब चैप्टर अपन पढ़ रहे थे उस समय बताया था कि रिएक्टेंट के संदर्भ में अगर औसत वेग लिखा जाए तो उसके पहले कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। नेगेटिव साइन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वेग है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आपके पास सी टू माइनस सी वन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको अगर नेगेटिव साइन से यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सी टू माइनस सी वन 0.02 माइनस 0.03 ये हो गया। इसके पहले आपने कौन सा साइन लगाया, नेगेटिव। परिवर्तन में लगा समय कितना है 25 मिनट, कितना है 25 मिनट, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी 0.01, इसको नेगेटिव साइन से यूज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0.01/2 भाई, ये आया कि नहीं आया आपके पास, अरे आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर नीचे अपन 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट गया 4 बार, अरे कटा कि नहीं कटा, तो आपके पास क्या आ गया, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 0.01 × 10⁻²। अब ये 10⁻², इसको यहां से अपन हटाएंगे तो 10⁻ क्या हो जाएगा, -4, यानी 10⁻⁴ मोलेरिटी मिनट इनवर्स होगा, क्या होगा मिनट इनवर्स, क्योंकि अपन ने क्या लिया था समय मिनट में लिया था। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। आपको आंसर किस में निकालना था, मिनट में भी निकालना था और सेकंड में भी औसत वेग निकालना था, ये अपन ने किस में निकाला, ये आंसर है पर मिनट में अपन ने निकाला। आप सेकंड में इसको कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, समय आपका क्या है 25 मिनट है, अगर सेकंड में आंसर चाहे तो 25 मिनट बोले या 25 × 60 सेकंड बोल दे, अरे ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर इसी को अगर ये अपन ने मिनट में सॉल्व किया है, अगर इसको सेकंड के पद के अंदर सोलो करना होगा तो ये क्या आ जाएगा 0.01, अरे ये हुआ बटा नीचे आपका क्या है 25 × 6 टी, ये हुआ कि नहीं हुआ, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही, ये हो गया आपका। ये जो आंसर आया था 10⁻⁴/60 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 60 का और इसमें भाग लग गया। अब इसका आंसर क्या होगा, मोलेरिटी सेकेंड इनवर्स, इस प्रकार से अपन इसका आंसर इसमें भी निकाल सकते हैं, मिनट के पदों में भी बोल सकते हैं और सेकेंड के पदों में भी बोल सकते हैं।
जहां पर आपको टाइम 25 मिनट दे रखा है, ठीक है, एज इट इज पुट अप करेंगे तो मिनट के पदों में आएगा, और अगर इस मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करके यहां पर अगर पुट अप कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, मोलरिटी सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपकी बार परीक्षा में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आगे वाला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइम में, 2A किस में बदल रहा है रे भाई, उत्पाद में बदल रहा है। इसके लिए क्या बोल रहा है, A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से क्या हो जाती है, 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। देखो C1 कितना है प्रारंभिक सांद्रता, 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। लीटर इनवर्स। और अंतिम सांद्रता C2 क्या है, C2 बोलो, C2 की वैल्यू है 0.4 मोल पर लीटर। और कितना समय लिया जा रहा है, डेल्टा टी कितना है अपना, 10 मिनट, कितना है 10 मिनट। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे भाई, सीधी सी बात है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग ऐसे निकालते हैं, सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो जैसे अपन ने पहला वाला प्रश्न देखा था, ठीक उसी तरह से अपना ये प्रश्न सॉल्व होगा। जो अपन ने पिछला प्रश्न देखा था ना, ठीक उसी की तरह ये प्रश्न सॉल्व होगा। अभिक्रिया का जो वेग है वो रस समीकरण मिति के आधार पर किस प्रकार से लिख सकते हैं, रस समीकरण है मिति से R बराबर क्या होगा, देखो कितने के लिए बोल रहा है, 2 के लिए बोल रहा है। तो यहां पर क्रियाकार के रिस्पेक्ट में अगर बोले तो कौन सा साइन यूज होगा, अरे पॉजिटिव की नेगेटिव साइन यूज होगा। अब देखो ये 2 मोल गायब हो रहे हैं, अपन को यहाँ पर अभिक्रिया का वेग पर मोल के लिए डिफाइन करना है, है? तो पर मोल के लिए डिफाइन करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। और क्या है आपके पास, ये A है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, A की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा, ऐसे लिख दिया। अब निकाल लो, -1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 0.4 माइनस 0.5 बाई क्या आया, डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 10। तो माइनस साइन ये यहां पर माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो -1/2 इंटू -0.1 बाई नीचे कितना है, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये 1/2 इंटू 100 हो गया, ये यहां से रिप्लेस हुआ। तो इसको 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10^-2 मोल लीटर इनवर्स और मिनट। इस प्रकार से अपन ये लिख सकते हैं। अभी क्या क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, वेग ज्ञात कर लिया रस समीकरण मिति को देख, क्योंकि ये जो परिवर्तन होगा ना वो प्रति मोल के लिए होगा। इस प्रकार से रस समीकरण मिति के आधार पर, इसीलिए अपन ने जब A का 2 मोल लुप्त होता है तो उत्पाद बन रहा है यहां पर, तो प्रति मोल के लिए अपन क्या देखेंगे, अभिक्रिया का वेग देखेंगे, क्योंकि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। मोल पर लीटर क्या होता है, सांद्रता, यानी प्रति मोल के लिए डिफाइन कर ली जाती है। तो यहां पर जब इसके 2 मोल गायब होते हैं तो उत्पाद बनता है, तो 1 मोल गायब होता है तब अभिक्रिया का वेग क्या होगा,
उत्पाद कितना बनेगा, वही क्या होता है अभिक्रिया का वेग होता है। इस कारण से इसको ऐसे अपन ने क्या कर लिया, सोलह कर लिया। आगे वाला प्रश्न देखो, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो 1.15 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। अंतिम सांद्रता कितनी बोल रहा है, 3 ग्राम। होने में कितना समय लगेगा, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, अरे कितना दे रखा है के 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और देखो प्रारंभिक सांद्रता C1 कितनी दे रखी है, C1 बोल दो या R नॉट बोल दो, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। और R कितनी है, घटकर कितनी हो गई, 3 ग्राम। ऐसा है ना, होने में कितना समय लगेगा, यानी क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है कितना समय लगेगा, क्या पूछा है, टी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये तो आपका एक सूत्र क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु टी बराबर क्या होता है, 2.303 / K log आर नोट बाई आर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सूत्र होता है तो इसे ग्राम पर मोल मान लो अपने, ये क्या है सांद्रता ही है, बात समझ में आ गई। ये जो ग्राम में मात्रा दे रखी है इसी को अपन क्या मानते हैं, सांद्रता मानकर, ग्राम में मात्रा बटा अनुपात, अनुपात का इसमें भाग लगेगा, वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यही अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर प्रारंभिक सांद्रता 5 रख देंगे, नीचे कितने रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 2.303 / K की वैल्यू 1.15 × 10⁻³ log इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी रहे, 5, और टी टाइम पर कंसेंट्रेशन कितनी, 3। अब यहाँ पर लोग ए बाई बी हो गया, तो लोग ए माइनस लोग बी से इसको सोल्व कर सकते हैं, 2.303 / 1.15 × 10⁻³ log 5 − log 3, ये वाली वैल्यू आपको देगा। और इस आधार पे अपन क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे। टी जो है वो किसमें आएगा अपने पास, सेकेंड में, किसमें आएगा, सेकेंड में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला है वो काम में लेते हुए अपन यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। आया समझ में, इस प्रकार से सोल्व करते हैं। आगे वाला प्रश्न देखो, देखो SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी होने वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। SO2Cl2 है उसको वियोजित होने में, जो प्रारंभिक मात्रा है उसका आधा वियोजित होने में कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। तो देखो ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये आधी मात्रा वियोजित होने में अगर 60 मिनट लगता है तो वही क्या हो जाएगा, उसका आधा काल हो जाएगा। अरे टी हाफ बराबर कितना, 60 मिनट दे रखा है। कितने मिनट दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है तो इसके लिए वेग नियतांक के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 / T हाफ, यही सूत्र होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो यही होता है सीधा फार्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, 0.693 / T हाफ की वैल्यू कितनी है, 60। कितनी है, 60। इसको अपन जब हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो किसमें आएगी अपने पास, मिनट में आएगी। किसमें आएगी, मिनट में आएगी। देखो
यहाँ पर इसको 0.693 अपॉन 6 × 10 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना ऐसे, या यहां से ये दशमलव हटाया तो इसे 1, 2 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो इसको कैंसिल कर दो, इससे 6 × 6, 6 × 6 3 बच गए, 6 × 5 30, 3 × 6 50 30, ये नीचे कितना है 10 की पावर 1, 2, 3, 4 है, 2 अंक दशमलव इधर लगा दो, यानी 1.15, 5 × 10 की पावर -8, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये समय किसमें आएगा, मिनट में आएगा, किसमें आएगा मिनट। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रारंभिक सांद्रता से आधा होने में 60 मिनट बोल रहा है, यानी ये 60 मिनट क्या है, इसका अर्धायुकाल यानी टी हाफ है, तो के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। के बराबर क्या होगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर आप पुट अप करो और आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, ये प्रश्न है सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक दे रखे हैं तो उनकी कोटि आपको बतानी है और वेग स्थिरांकों की इकाई बतानी है। कोटि और वेग स्थिरांक की क्या बतानी है, इकाई। 8वां क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 84 पर। क्या क्वेश्चन है, देखो 3NO गैस है, वो N2O में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए क्या दे रखा है वेग व्यंजक, R बराबर के NO की कंसंट्रेशन की पावर कितनी बोल रहा है, 2, ऐसे बोल रहा है। अब इसके लिए आपको क्या बताना है, अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो देखो कोटि बराबर क्या होगा, अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग व्यंजक में ये गैस अगर रिएक्शन है तो इसके बारे में अपन पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, दाब की बात करेंगे। तो यहां पर ये जो दाब है इसकी पावर की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अरे रिएक्टेंट गैस का पार्शियल प्रेशर की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहां पर कोटि कितनी होगी ना अपने पास, 2 होगी। और क्या पूछा है इसके बारे में, ये जो वेग नियतांक है के, इसकी इकाई क्या होगी। तो देखो अपन हल करते हैं, आर बराबर के, ये क्या है पार्शियल प्रेशर NO2 का, NO का पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर किसमें होगा, एटीएम में, इसकी पावर कितनी है, 2। और देखो अभिक्रिया का वेग क्या होगा गैसीय अभिक्रिया के लिए, एटीएम मिनट इनवर्स, अरे होगा कि नहीं होगा, बराबर किसके, के, इसकी पावर 2 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/मिनट बराबर के एटीएम। अरे यही आया ना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एटीएम इधर आएगा कि नहीं आएगा, के की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, एटीएम इधर आके इनवर्स में आएगा, एटीएम मिनट एटीएम इनवर्स मिनट इनवर्स, ये हो गई इसकी क्या इकाई, वेग नियतांक की इकाई हो गई, किसकी इकाई हो गई, वेग नियतांक की इकाई हो गई। गैसीय अभिक्रिया है उसके लिए क्या होगा, एटीएम मिनट इनवर्स या बार इनवर्स मिनट इनवर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, प्रेशर को अपन इसमें भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से निकाल लेंगे। अभिक्रिया की कोटि आपने अभिक्रिया का वेग व्यंजक देखकर लिखी और फिर उसके आधार पर ही आपने क्या निकाल लिया, जो वेग नियतांक है उसकी इकाई कैलकुलेट कर दी। क्योंकि गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, दाब में समय के साथ हुआ परिवर्तन, तो
तो दाब को अपन एटीएम से दर्शा रहे हैं और समय को किस में ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं। तो ओके एटीएम की पावर 2 हो गया, एक एटीएम से एक एटीएम कट गया, तो 1 बाय मिनट बराबर किसके आया, के एटीएम की। तो के की वैल्यू क्या आई, एटीएम इधर आते इनवर्स में, एटीएम इनवर्स है मिनट इनवर्स, ये हो गया। आगे वाली रिएक्शन के लिए देखो, इसी प्रश्न में दूसरे अभिक्रिया है H2O2 गैसीय है प्लस इसके साथ में 3I- एक्वस प्लस 2S+ वो उत्पाद बना रही है। इसके लिए वेग व्यंजक दे रखा है R बराबर के H2O2 की पावर 1 और आगे दे रखा है I-। इसके लिए आपको बतानी है, इसके लिए भी ये इक्वल्स, समझ में आ गई बात, इसके लिए आपको बतानी है, तो इसके लिए भी वही काम हो जाएगा। देखो अभिक्रिया के प्रायोगिक में सांद्रता पद के घातांकों का क्या योग क्या होगा, अभिक्रिया का कोटि होगी। प्रायोगिक जो ये वेग व्यंजक है इसमें ये क्रियाकारक की सांद्रता पद है, ये भी क्रियाकारक का सांद्रता पद है, इनके घातांकों का योग क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि कितनी होगी बोलो देखे, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी है, 1+1 बराबर कितनी आ गई, 2। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या होगी बोलो देखे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या, वेग नेतांक की इकाई। आपको पहले बताया गया है, डेराइव करके भी बताया था, कैसे आया, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, कौन सी कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो उसके लिए क्या होगा, मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। अगर अभिक्रिया द्वितीय शून्य कोटि की है तो उसके लिए क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यह प्रश्न आपकी बार पूछा गया था वेग नियतांक की इकाई, तो ध्यान रखा करो। आगे वाले रिएक्शन देखो, CH3CHO है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इस अभिक्रिया के लिए क्या बोल रहा है भाई, ये जो एसिटाइलिड है इसकी कंसेंट्रेशन की पावर कितने पर निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया का वेग 3/2 पर, R बराबर CH3CHO इसकी कंसंट्रेशन की पावर 3/2, ये है वेग व्यंजक। इसके लिए बताओ देखें अभिक्रिया की कोटि कैसे, ये बताओगे कोटि कितनी होगी बोलो, अरे कोटि कितनी होगी, सांद्रता पदों का घातांक कितना है, 3/2, तो ये इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। अब देखो इसकी आप इकाई निकालेंगे वेग नियतांक की, तो कैसे निकालेंगे, गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, दाब में समय के साथ हुआ परिवर्तन, तो इसके आधार पर अपन क्या लिखेंगे, एटीएम पर मिनट लिख दिया, बराबर के आपके पास है और ये जो क्रियाकारक है इसका दाब अपन किस में देखेंगे, एटीएम में देखेंगे, इसकी पावर कितनी है, 3/2। अब 3/2 क्या होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता, यहां पर भी पावर एक है, यहां पर भी पावर एक, तो एक से एक तो कट गई, अरे क्या बच गई, 1/मिनट बराबर के एटीएम की पावर क्या बची, हाफ बची, अरे यही बची कि नहीं बची, तो इसको अलग कर लो, ये इधर आएगी तो इनवर्स में आ जाएगी, तो के की इकाई क्या होगी, एटीएम माइनस हाफ,
और क्या होगा मिनटिनोस, ऐसे निकाल लेंगे आप। वेग नेतांक की क्या निकाल ली आपने, इकाई निकाल ली। क्या निकाल ली वेग नेतांक की, इकाई। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, सोलो करेंगे। आगे वाला इसी में देखो, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, सी ए टू एच फाइव सी एल है, सी टू एच फाइव सी एल ये किसमें उत्पाद में बदल रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इसके लिए क्या बोल रहा है अभिक्रिया का वेग है वो कुछ इस प्रकार से निर्भर कर रहा है, आर बराबर के सी टू एच फाइव सी एल, इसकी कंसेंट्रेशन की पावर क्या है वन। तो यहां पर देखो, देखे अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बोलो, कोटि कितनी हो जाएगी, एक हो गई। कोटि कितनी हो गई, एक। के की इकाई निकालेंगे तो देखो, के की इकाई वेग नियतांक की इकाई कैसे निकालेंगे, निकालो। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, दाब में समय के साथ हुआ परिवर्तन, तो एटीएम पर मिनट। के यहां पर ये सी टू एच फाइव सी एल है, ये गैसीय है, तो इसका भी एटीएम में दाब ही देखेंगे अपन, अरे देखेंगे कि नहीं। तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया और के की इकाई क्या आई, मिनट इनवर्स। क्या आई, मिनट इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो। इस प्रकार से अपन ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। आगे जो प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।